जितना सबका हक है उतना ही जो है ना एक हमारे कम्युनिटी का भी उतना ही हक है इस देश में। इस तरीके से जो है कांग्रेस को अपना हक देते आई है जिसपे किसी को डिस्टर्ब नहीं राज्य ने। अगर हम नॉर्थ कर्नाटक को अगर हम देखें, हैदराबाद कर्नाटक को अगर देखें, तो क्या लगता है कि कांग्रेस ने जस्टिफिकेशन दी है यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होता है पार्टी के अंदर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस पर जो है अपना जस्टिफिकेशन दी है नहीं देती? अगर यहाँ पे यहाँ के लोगों को भी जो है हज कमेटी का चेयरमैन बनाते, वक्फ कमेटी का चेयरमैन बनाते या मिनोरिटी डेवलपमेंट का बनाते, तो यहाँ के कम्युनिटी को ऊपर लाने के लिए यहाँ के चेयरमैन जो है बहुत मेहनत करते, इससे पार्टी को भी बहुत बड़ा फायदा होता और पार्टी को बहुत ज्यादा जो है ना कम्युनिटी को जोड़ के रखने का एक मौका मिलता था। लेकिन आज तक इसके तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दिए, मुझे इस बात का अफसोस है क्यों नहीं दिए पता नहीं। पिछले 75 सालों से बैंगलोर, मैसूर, तुमकुर, हसन, मंड्या ये लोग ही वहाँ के लोग जो है चेयरमैन बनते आए हैं और आज भी उस पर हाबिज है। गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, यादगीर, बीजापुर, कपड़ कहाँ से भी देने दो उनको, ताकि यहाँ पे अगर दिए तो मेनाटी को जो है ना खींच के रखने के लिए, पार्टी में जोड़ के रखने के लिए हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता। इलेक्शन एक्सप्रेस इज प्रेजेंटेड बाय अल करीम वेडिंग मॉल, अल यमीन हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रेवल्स। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दार अब्बास और आप सब देख रहे हैं GoHaz.in। GoHaz स्टूडियो में हमारे पास आज खास मेहमान हैं जिनका नाम जनाब लाल अहमद बॉम्बे सेठ है। और पॉलिटिकल्स की अगर हम बात करें, पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, तो खमर सलाम साहब के साथ उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया है, काफ़ी वेटरन लीडर वो हैं। और खमर साहब के साथ साथ ही होते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी ज्वाइनिंग की थी और जब से ही कांग्रेस की मानो एक बैकबोन की तरह जो है लाल अहमद बॉम्बे सेठ ने कांग्रेस को सपोर्ट करते आए हैं। और 2023 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो जहाँ पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप की है कर्नाटक में, वहीं पर लाल अहमद बॉम्बे सेठ का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। खास तौर पे गुलबर्गा साउथ जब से कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है वहां पर कांग्रेस की प्रेजेंस वहां पर नहीं थी और इस बार जो कैंडिडेट जीत कर आए हैं कहीं ना कहीं लाल अहमद बॉम्बे सेठ का इसमें काफी मेजर रोल रहा है। और यही नहीं बल्कि वो KPCC के माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन के जो हैसियत से उन्हें नवाजा भी गया है और साथ ही साथ उन्होंने रायचूर और यादगीर के इंचार्ज भी लिए हैं। तो इलेक्शन के दौरान का तो सफर हमने आपके साथ देखा है, काफी सारी वीडियोज हमने बनाए भी हैं। तो लाल सेठ, ये जो कांग्रेस के साथ आप जुड़े हैं और वाइस चेयरमैन की जो जिम्मेदारी होती है माइनॉरिटीज के लिए, क्या ये बेनिफिशियल है, लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? एक्चुअली हमारा जो रोल है इस वक्त पार्टी में जो है ना ऑर्गेनाइजिंग का रोल है, ऑर्गेनाइजिंग में जो है कम्युनिटी को जो है ना इस पार्टी से जुड़ना क्यों इंतहाई जरूरी है। आज के हालात 2014 के बाद जो चेंजेस जिस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए जो है ना हम तमाम माइनॉरिटी के लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स हो या हमारे जो है ना बड़े जो कायदीन हो, वो इस तरफ पार्टी की इस तरफ जो है ना ज्यादा तवज्जो कौम को जो है ना दिलाना चाहते हैं। कि वजह ये है कि इस पार्टी ही शुरू से आज़ादी के बाद से आज तक जो भी मुसलमानों को जो इस पार्टी में पावर में हिस्सेदार बनी है और जो पुरसुकून जिंदगी यहाँ पे एक आम शहरी की तरह, और जितना सबका हक है उतना ही जो है ना एक हमारे कम्युनिटी का भी उतना ही हक है इस देश में, इस तरीके से जो है कांग्रेस को तो अपना हक देती आई है जिसपे किसी को डिस्टर्ब नहीं राजी ने की। लेकिन 2014 के बाद जो आज चेंजेस आए हैं, मुसलमानों को जो खास करके टारगेट बनाया जा रहा है और मुसलमानों को जो है ना एक गैर शहरी की तरह जो है ना बर्ताव किया जा रहा है, इसके लिए जो है ना कांग्रेस कम्युनिटी के साथ ही नहीं बल्कि इस देश में संविधान को लेके जो है, संविधान ने पूरे हर कम्युनिटी को यहाँ पे हक दिया है आजादी के साथ रहने के लिए, आजाद सांस लेने के लिए और अपने जो है ना मजहब पे जो है ना पूरा चलने के लिए जो है राइट्स है उनके लिए। बाबा साहब अम्बेडकर की और जो है ना तमाम लोगों की जो है देन है, तो लिहाजा जो है कांग्रेस इस बात पे ज्यादा जोर देती है कि जो है ना जिस तरीके से संविधान बनाया गया है हर एक को उस तरीके से राइट देने चाहिए, जैसे माइनॉरिटी हो, बैकवर्ड हो, SC ST हो, तमाम कास्ट जो है अपने अपने मजहब पे जो है वो चलने का उनको जो है अपना एक राइट्स है, हुकूक है। तो लिहाजा कांग्रेस इस बात पे जो है ना ज्यादा जोर देती है, इसलिए जो है मुस्लिम कम्युनिटी इस पार्टी के साथ ज्यादा जुड़ रही है। और खास करके जो है मुस्लिम कम्युनिटी को जब जब भी कांग्रेस की हुकूमत आई है और उनको इस हुकूमत में ज्यादा से ज्यादा जो है ना उनको हिस्सेदारी और भागीदारी बनाई जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे यार, आपकी बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन अगर हम नॉर्थ कर्नाटक को अगर हम देखें, हैदराबाद कर्नाटक को अगर देखें, तो क्या लगता है कि कांग्रेस ने जस्टिफिकेशन दी है यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होता है पार्टी के अंदर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस पर जो है अपना जस्टिफिकेशन दी है नहीं देती? हाँ, ये बात बिल्कुल आप सही मौके पे जो है ना सवाल दागे हैं। लिहाजा जो है पिछले कई सालों से
वीरेंद्र पाटिल के जमाने से सीएम यहाँ पे थे, धर्म सिंह साहब सीएम भी थे और कायदे मोहतरम कमल इस्लाम भी साहब थे, लेकिन नॉर्थ कर्नाटका और स्पेशली हैदराबाद कर्नाटका में जो है मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वोट्स यहाँ पे रहते हैं। इसके बाद भी 75 सालों से मुझे भी इस बात का अफसोस है कि कांग्रेस की हुकूमत कई मरतबा आई और गई, लेकिन चार जो कमेटी है स्टेट के, वक्फ कमेटी, हज कमेटी, माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी डेवलपमेंट, ये चारों कमेटी जो है पिछले 75 सालों से नॉर्थ कर्नाटका को जो है कभी भी इसका पावर एंजॉय करने का मौका नहीं मिला। अगर काश मिलता यहाँ के लोगों को, क्योंकि काफी बैकवर्ड एरिया, इसलिए तो 371J यहाँ पे जो है ना लगाया गया खड़गे साहब के दौर में, धर्म साहब के दौर में। अगर यहाँ पे यहाँ के लोगों को भी जो है हज कमेटी का चेयरमैन बनाते, वफ कमेटी का चेयरमैन बनाते या माइनॉरिटी डेवलपमेंट का बनाते, तो यहाँ के कम्युनिटी को ऊपर लाने के लिए यहाँ के चेयरमैन जो है बहुत मेहनत करते, इससे पार्टी को भी बहुत बड़ा फायदा होता और पार्टी को बहुत ज्यादा जो है ना कम्युनिटी को जोड़ के रखने का एक मौका मिलता था। लेकिन आज तक इसके तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दिए, मुझे इस बात का अफसोस है क्यों नहीं दिए पता नहीं। पिछले 75 सालों से बैंगलोर, मैसूर, तुमकुर, हसन, मंड्या, ये लोग ही वहां के लोग जो है चेयरमैन बनते आए हैं और आज भी उस पर हाबिज है। लेकिन आज तो कम से कम इसका जो है ना बदलाव आने चाहिए, ताकि नॉर्थ कर्नाटका को भी जो है ना माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी डेवलपमेंट, हज कमेटी, वफ कमेटी के चेयरमैन, ये 4-5-6 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ से भी जो है ना उनको बनाना चाहिए, मौका देना चाहिए। जैसे कि बड़ी मेहनत के बाद खड़गे जी धर्म सिंह साहब के दौर में यहाँ पे एयरपोर्ट का काम चालू हुआ और बहुत ही शानदार एयरपोर्ट, आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के कई डिस्ट्रिक्ट के एयरपोर्ट बंद हो गए, लेकिन गुलबर्गा का बड़ा ही शानदार जो है एयरपोर्ट ऑपरेट हो रहा है। लेकिन गुलबर्गा एक हेडक्वार्टर है टूर एंड ट्रेवल्स के लिए, काफी टूर एंड ट्रेवल्स गुलबर्गा में है, मैं समझता हूँ 10-15 टूर एंड ट्रेवल्स है जो बिदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगिर, बलारी, बीजापुर से भी लोग आके यहाँ पे जो है, क्योंकि कम्युनिटी बेस है बोल के यहाँ पे हज के लिए, उमरा के लिए यहाँ से बुकिंग कर लेते हैं। मेरा कैलकुलेशन डाटा के हिसाब से गुलबर्गा से हर महीना ये 10-15 जो टूर एंड ट्रेवल्स है ये लोग जो है 1000 के करीब जो है उमरा को लोग लेके जाते हैं, और वो 1000 लोग जो है हैदराबाद से ऑपरेट करते हैं। ये कर्नाटक की रेवेन्यू जो है तेलंगाना को जा रही है, इस पे गौर करनी चाहिए हमारे लीडर्स, ताकि ये एयरपोर्ट को हम मौका देते हैं, हमारे एयरपोर्ट से जो है ना ऑपरेट करते हैं, बड़ी फ्लाइट आती है 200-250-300 की जो है ना पैसेंजर लेके जाने की, तो एयरपोर्ट को भी रेवेन्यू आ जाती है, एयरपोर्ट उससे डेवलप होता और यहाँ पे एक हाजी या एक उमरा को जाने वाले को छोड़ने के लिए कम से कम 5-10 आदमी आ जाते, तो गुलबर्गा शहर के तमाम लॉज फुल हो जाते, होटल खाने के चल जाते, मिठाई के दुकान चल जाते, ट्रांसपोर्ट चल जाता, तो यहाँ पे जो है ना पैसा रूटीन होना शुरू हो जाता है। गुलबर्गा इस शहर जो है एक बहुत बड़े पैमाने पे उभर कर भी आ सकता है इससे जो है टूरिज्म में, तो लिहाजा ये बात कई वक्त जो है मैं हमारे माइनॉरिटी के मीटिंग के दौरान जो है माइनॉरिटी पेशेंट से भी इस बात का मैं उनसे डिमांड भी रखा कि भैया, तो क्योंकि वो लोग उधर के ही थे बेंगलुरु साउथ के, तो ज्यादा उसके ऊपर जो है ना तवज्जो नहीं दिया। तो मैं कुछ दिनों से शहर में जो मेरे जैसे कि जनाब एक्स मेरे जाहिद साहब हैं, मेरे दोस्त अजीज हमारे शेख हुसैन साहब हैं और हमारे ऐसे काफी पॉलिटिकल जैसे जितने भी लोग थे उनके साथ में बैठ के डिस्कशन कराई, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, बल्कि हम नहीं किसी को भी देने दो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से देने दो, गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, यादगिर, बीजापुर, कप्पड़, कहाँ से भी देने दो उनको, ताकि यहाँ पे अगर दिए तो माइनॉरिटी को जो है ना खींच के रखने के लिए, पार्टी में जोड़ के रखने के लिए हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता। और वो चेहरे कैसी है माइनॉरिटी डेवलपमेंट की हो या वफ की हो या हज कमेटी की, इससे दिल से लोग जुड़ के रहते हैं इस कमेटी के साथ में, इस चेयरमैन के साथ में एक कौमी लगाव भी है उनके साथ में, तो लिहाजा जो है पार्टी इस बात पे गौर फिक्र करनी चाहिए। पिछले 75 सालों से साउथ बैंगलोर वालों को दिया जा रहा है, तो लिहाजा ये बार मेरा अपना एक पार्टी से अदबन गुजारिश है मेरे लीडरों से कि भाई आप जो है नॉर्थ कर्नाटका के लोगों को भी इसमें हिस्सेदार बनाएं। Election Express is presented by Al Kareem Wedding Mall, Al Yameen Hajj and Umrah Tours and Travels.